नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चौधरी पावर टूल्स चैनल पे। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि 801 मॉडल के जितने भी एंगल ग्राइंडर आते हैं उसका ये फील्ड कॉइल है। इसमें तीन कनेक्शन लग रहे हैं, एक कनेक्शन इसका अंदर से शॉर्ट होकर के वायर जल गया है। इसको कुछ हम लोग रिपेयर करने वाले हैं। एक छोटे से वीडियो में मैं जो सीखने वाले हैं उनको बताया हूँ। देखिए, ये जो हमारा एक साइड का कनेक्शन है, ये जो दो वायर हमारे निकल रहे हैं, जो हमारी वाइंडिंग है फील्ड कॉइल की, एक साइड में तो एक वायर है ही नहीं। यहाँ पर देखिए, यहाँ से जल गया। और दूसरे साइड में भी हम एक बार कंटिन्यूटी टेस्टर से टेस्ट करते हैं। ठीक है, ये दो कॉइलों का, दो हमारे जो वायर निकले हुए हैं एक कॉइल वाइंडिंग में। अब इसको भी चेक करते हैं, एक बार दिखा देता हूँ इसको टेस्ट करके कि ये चालू है या नहीं चालू, क्योंकि इस तरह का प्रॉब्लम एंगल ग्राइंडर के अंदर आ सकता है और इस तरह से फील्ड कॉइल हमारा पावर नहीं बताएगा तो हमारा ग्राइंडर नहीं चलेगा। इसको रिपेयर करने वाले हैं, इसमें भी पावर नहीं आ रहा है। अब देखिए, कुछ यहाँ से ये वायर हमारा ख़राब हो चुका है। ठीक है, तो इसको हमको कैसे इसके अंदर पिन वगैरह डालना है चेक करके। इस तरह का ये जो कंटिन्यूटी टेस्टर मैंने ले रखा है साथ में, इसमें आप वायर वगैरह सभी कुछ टेस्टिंग कर सकते हो। इस तरह से कुछ इसके ऊपर वायरनेस लगा रहता है, तो इस वायर का ऊपर से हम वायरनेस निकाल देंगे और बाद में इसके ऊपर हम एक पिन लगाएंगे। और अगर आपके पास पिन नहीं है तो कुछ आइडिया मैं इस वीडियो के अंदर आपको दे रहा हूँ। ये देखिए, अभी वायर में अगर हम टच करते हैं तो हमारा टेस्टिंग लाइट जल रहा है। ठीक है, और ये जो कंटिन्यूटी टेस्टर मैंने ले रखा है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उसमें जा करके लिंक पे क्लिक करके आप इसको खरीद सकते हो। ज़्यादा महंगा नहीं आता है, 100 रुपये से 150 के बीच में आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, या फिर ऑफलाइन लेना चाहते हो तो किसी भी इलेक्ट्रिक की दुकान में से ले सकते हो। मैंने यहाँ से ये दो पिन लिया है मेरे पास में है। अगर आपके पास नहीं है तो उसका भी मैं तरीका बताऊंगा कि आप कैसे उसको यूज कर सकते हो। ये दो पिनों की हमें ज़रूरत है, क्योंकि एक साइड का जो कार्बन का ये लगा रहता है पिन, इसको भी आप काट करके इसके अंदर जॉइंट कर सकते हो अच्छे से। और इस वायर को देखिए, अच्छी तरह से हमने निकाल लिया है सोल्डरिंग, और सोल्डरिंग करेंगे तो देखिए ये जो वायर है इसके अंदर हम छोटा एक वायर का टुकड़ा लेंगे, उसको छील करके अंदर का जो कॉपर वायर रहता है उसको निकालेंगे। मैं यहाँ से इस तरह से कुछ वायर ले लेता हूँ और इसको कुछ इस तरह से छील करके अंदर का जो भाग है हमारा कॉपर का उसको निकाल लेंगे, ताकि हम ये वायर फंसा देंगे इस पतले वायर के ऊपर तो हमारा जो पकड़ है वो मजबूत हो जाएगा। देखिए, इस तरह से कुछ फंसा देंगे इसको। जो लोग काम सीख रहे हैं उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल वीडियो है। और इस तरह से हमने इसको कटिंग कर लिया है। देखिए, इसके ऊपर हमने इस तरह से वायर लगा दिया है, जिससे हमारी वायर की पकड़ है ना और मजबूत हो जाएगी पिन के अंदर। ठीक है, इस तरह से हम इसमें पिन लगाएंगे। अब ये पिन हमारा अच्छे से पकड़ कर लेगा। उससे पहले हम वायर में एक हीट सिंक जो पाइप आता है, जिसको हम गर्म कर देते हैं तो हमारा उसी के लेवल में हो जाता है। अगर ये नहीं है तो एक स्लीव पाइप भी आता है, उसको भी आप डाल सकते हो, या फिर इसके अंदर आप वायर टेप भी लगा सकते हो। ठीक है, तो मैं इसके अंदर ये पाइप है मेरे पास में, तो इसको मैं डालूँगा। इस तरह से इसको फंसा देंगे और यहाँ से हम इस पिन को अच्छी तरह से लगाएंगे ताकि यहाँ से ख़राब नहीं हुए। इस तरह से दबा के और इस पिन को सेट कर देंगे। ये पिन मिल जाती है इलेक्ट्रिकल दुकान में, आप चाहो तो 3 mm की, ये आप इसको थिम्बल बोल दोगे, आप 3 mm की थिम्बल दे दो तो आपको मिल जाए। हमारे स्विच के साथ में जो कनेक्टर रहती है वो 5 mm की थिम्बल रहती है। तो इस तरह से ये स्लीविंग जो पाइप है, ये इसको मैं यहाँ से इस तरह से गर्म कर दूंगा तो ये हमारी वायर के साथ परफेक्ट सेट हो जाएगी। ये हमारा कार्बन होल्डर में जाएगा
तो इस तरह से ये देखिए पकड़ अच्छी रहेगी। अब चलिए दूसरे तरफ का तरीका निकालेंगे, एक बार इसको चेक कर लेते हैं अच्छे से ताकि अभी ये काम करना लगा या नहीं करने लगा। ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम फील कॉइल के साथ में आ जाती हैं और हमारा ग्राइंडर चलना बंद हो जाता है। तो हमने इधर की साइड का कंप्लीट कर लिया, दूसरी साइड का भी कंप्लीट करेंगे और इसके आगे वाला जो वीडियो आएगा मेरा तो उसमें मैं इसी फील्ड कॉइल को एंगल ग्राइंडर के अंदर सेट करके डाल करके आपको पूरा वीडियो भी बताऊंगा। तो आगे वाला वीडियो भी आप लोग पूरा ध्यान से देख लेना जो लोग सीखने वाले हैं। अभी देखिए यहाँ से कुछ इस वायर को हमको निकालना है, ज़्यादा नहीं खींचना है ताकि बहुत अंदर से ये वायर हमारा टूट जाए। ज़्यादा खींचेंगे तो टूट जाते हैं ये वायर, तो फिर क्या है हमारा जॉइंट करना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ से देखिए इसके अंदर फंसा हुआ है ये, तो इसको कुछ इस तरह से धीरे से कटिंग कर देते हैं ताकि ये निकल आए, चिपक गया है उसके अंदर पूरा प्लास्टिक का जो ये कवर लगा हुआ है। तो हमको किसी भी तरह से उसको निकालना है और फिर उसको भी हम जॉइंट करके इसको कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से इस वायर को हमने निकाल लिया है। ठीक है, अब इसके ऊपर भी वायरलेस पड़ा रहता है, बहुत सारे लोगों को मालूम होगा। अब ये दोनों को एक बार कंटिन्यूटी टेस्टर से हम टेस्ट कर लेते हैं, एक बार देखते हैं कि इसमें पावर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये देख सकते हो कि इसमें भी पावर हमारा आ रहा है, यानी हमारा कॉइल बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो अभी दूसरी साइड में जहाँ पर थोड़ी सी करंट मिल रहा था वहाँ से हमारा कंटिन्यूटी टेस्ट करके बता दिया है। अभी इसको हम थोड़ी सी ऊपर का जो वायरनेस है उसको निकाल देंगे इस तरह से, किसी चाकू की मदद से या फिर ये जो कटर रहता है, क्योंकि तो वायरनेस लगा रहेगा तो फिर हमारा उसमें करंट नहीं बनेगा अगर भी वायर भी ज्वाइंट मार देंगे। इस तरह से हम निकाल लेंगे इसका, थोड़ी इसको सीधा कर देते हैं यहाँ से। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हो अगर तो इसी तरह से पावर टूल से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देखिए इस तरह से इस वायर को हमने वायरलेस निकाल करके कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पर हम लगाएंगे सोल्डर आयरन जो होता है उसको हम लगाएंगे वायर के ऊपर, थोड़ी लगा देंगे और फिर बाद में हम एडजॉइन करेंगे ताकि हमारी जो पकड़ है वो अच्छे से बनी रहे। ये देखिए मैंने सोल्डरिंग आयरन ले रखा है और यहाँ से इस वायर को इस तरह से आपको सोल्डरिंग करना है इसके अंदर। ये वायर हमारा गर्म हो रहा है और इसके ऊपर हम इस तरह से ये सोल्डरिंग आयरन है जो उसको लगा देंगे। ठीक है, ये देखिए आपको शायद दिख रहा होगा लग चुका है। ठीक है, अभी इसके ऊपर भी लगा रहेगा यदि अगर सोल्डरिंग आयरन ये, तो हमारा जो दूसरा वायर ज्वाइन करेंगे उसको अच्छे से पकड़ ले जाएगा। अब चलिए मैं कुछ इस तरह से वायर का टुकड़ा लेता हूँ और इसको इस यहाँ से अंदर कॉपर वाला वायर निकाल लेंगे और इसके ऊपर भी हम ये सोल्डर कर देंगे चारों तरफ से। ठीक है, इसके ऊपर लगा देना है पहले। बहुत लोग क्या करते हैं डायरेक्ट सोल्डर मार देते हैं वायर रख करके, तो वो पकड़ अच्छी नहीं रहती है, इसलिए सबसे पहले हम इसमें चारों तरफ से इस तरह से ये सोल्डरिंग आयरन लगा देंगे। थोड़ी सी मोबाइल का कैमरा जस्ट सामने ही है तो थोड़ी दिक्कत होती है मुझे। इस तरह से इसमें जहाँ तक हमने वायर को निकाल लिया है थोड़ी इसके अंदर ले लेते हैं और किस तरह से इसके चारों तरफ हमको सोल्डर कर देना है, इससे हमारी जो पकड़ है वो एकदम परफेक्ट बनी रहेगी। ये दिख रहा होगा आपको इसके चारों तरफ सोल्डर लग चुका है।
अब इस वायर के अंदर हमको जॉइंट करना है। इससे पहले हम ये थोड़ी सी वायर को कटिंग कर लेते हैं, थोड़ी ज़्यादा लंबा है जो वायर में हमने शोल्डर मारा है। इस तरह से थोड़ी सी कटिंग भी करेंगे, ज़्यादा लंबा है ये वायर, इसमें थोड़ी कट मार देते हैं हम। इस तरह से इसको थोड़ी छोटा कर लेंगे। अब चलिए इसको हम इस वायर के साथ ज्वाइन कर देते हैं अच्छे से। संभाल करके अच्छे से करना है यहाँ पर। तो ये क्या है, ये देखिए थोड़ी गर्म था तो छूट गया, अभी थोड़ी देर उसको पकड़ के रखना है तो अच्छे से पकड़ लेगा। तो ये लीजिए, अभी हमारा वायर अच्छे से जॉइंट हो चुका है। ठीक है, अब इसके ऊपर हम एक स्लीव डाल देंगे। तो जो पीवीसी वाला पाइप आता है ये हीट होने पे पिघल के और उसी के साइज का हो जाता है। इसका भी मैं आपको ऑनलाइन लिंक दे दूंगा, अगर ये पाइप वगैरह मंगाना चाहते हो तो ऑनलाइन लिंक दे दूंगा, आप मंगा सकते हो। ठीक है, इस तरह से अब हम इसको गर्म कर देंगे तो ये हमारा परफेक्ट हो जाएगा। ये वैसे बहुत अच्छा रहता है, इसको डाल के लगा देते हैं तो हमको टैप वगैरह मारने का ज़रूरत नहीं पड़ता है और बहुत अच्छे से मजबूत हो जाता है। इस तरह से इसको गर्म कर देंगे तो ये उसी के साइज में सेट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप लोग कॉइल के कनेक्शन सही कर सकते हो। और इसी फील्ड कॉइल को डाल करके मैं आगे एक वीडियो एंगल ग्राइंडर का बनाने वाला हूँ, तो ज़रूर आप लोग उस वीडियो को वॉच कीजिएगा।